बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है वो बूलियन अलजेब्रा है, और बूलियन अलजेब्रा में हमने कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन को उसको सिंप्लीफाई किस तरीके से किया जा सकता है या मिनिमाइज किस तरीके से किया जाता है वो हमने देख लिया है। दो मेथड हमने यूज की है, या तो हम बूलियन रूल्स के थ्रू किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें, या फिर हम कार्नोफ मैप के थ्रू उसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, आज मैं एक और चीज आपको एक और मेथड दिखाऊंगा कि डायरेक्ट जो हमारा लॉजिक सिमुलेटर है जिस पर हम काम कर रहे हैं वो भी, उस पर भी अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन डालें तो वो भी हमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके देगा। एल्गोरिथम जो पीछे लग रहा होता है वो कार्नोफ मैप का ही लग रहा होता है। तो लास्ट टाइम जो हमारा लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 38, जिसमें हमने एक एक्सप्रेशन था, नॉन स्टैंडर्ड सॉल्व एक्सप्रेशन था, इसको हमने कार्नोफ मैप के थ्रू मिनिमाइज किया था, सिंप्लीफाई किया था और हमारा सिंप्लीफाई कर दिया। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो भी देख लीजिएगा। तो इसी एक्सप्रेशन को आज हम देखेंगे कि अगर हम लॉजिक सिमुलेटर के ऊपर डालें तो वो डायरेक्टली जो के मैप को अप्लाई करता है वो हमें क्या आंसर देता है, क्या यही आंसर देता है। तो एक तरीका ये होगा कि आप कोई भी सवाल अगर सॉल्व करते हैं तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने करेक्टली उसको सॉल्व किया है या नहीं किया, चाहे आपने बूलियन रूल्स लगाए हों या चाहे आपने कार्ट ऑफ। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने लॉजिक सिमुलेटर की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक सिमुलेटर आ गया। अच्छा, लॉजिक सिमुलेटर में आप देखें तो इसके टास्क बार पे आना है। हमने टास्क बार में पहली चीज होती है फाइल, सेकंड एडिट और तीसरा प्रोजेक्ट। हमने प्रोजेक्ट में जाना है। अब प्रोजेक्ट में आता है एनालाइज सर्किट। ठीक है, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे से चले तो ऑप्शन गेट सर्किट और तीसरे नंबर पे आ रहे एनालाइज सर्किट। हम एनालाइज सर्किट पे हमें ये बॉक्स मिल जाए। ठीक है, तो हम काम करते हैं कि ये मेन स्क्रीन पे है, पिक्चर पे आते हैं और पिक्चर के ऊपर आके इसको करते हैं ताकि हम काम। ठीक है, तो ये हमारी एक्सप्रेशन थी, गिवन एक्सप्रेशन। अब इसको हमने क्या करना है, इंटर कर देना है जो कॉम्बिनेशनल एनालिसिस का एक बॉक्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज आ रही है कि आपने इनपुट बताने हैं कौन कौन से हैं। तो हमें पता है, इनपुट हमें नजर आ रहे हैं, यहाँ पे चार इनपुट है, ए बी सी एंड डी, तो हमको चार इनपुट। ठीक है, आउटपुट जाहिर है आउटपुट पूरी एक्सप्रेशन का एक होगा, तो हम एक आउटपुट लिख देते हैं एक्स, हम यूज करते आ रहे हैं आउटपुट के लिए। टेबल पे अभी हमें नहीं जाना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि टेबल किस तरीके से सर्किट आता है। हमने फिलहाल अभी जस्ट एक्सप्रेशन पे ही रहे, तो हम आ गए अपने एक्सप्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो अब हमने लिखना है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखा जाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली ही टर्म पे हमारे बार आ रहा है बी बार सी बार। तो बार लिखने का तरीकेकार होता है, अगर आप अपना इनपुट कीपैड होता है कीबोर्ड का, तो वन से पहले की होती है, शिफ्ट दबा के आप इंटर करेंगे तो ये इस तरह का सिंबल। इंग्लिश में इस सिंबल को कहते हैं अबाउट, और मैथ में ये सिंबल यूज होता है एसिम्प्टोमेटिक के नाम से या इनवर्स के नाम से, इन्वर्टर के नाम से। तो हम बेसिकली इन्वर्ट ही कर रहे हैं बी को, इसका मतलब है कि आपने जब ये इस तरह लिखा तो उसका मतलब बी बार ही है, यानी इन्वर्ट होके बी आएगा। सही है, तो आपने इस तरीके से लिखना है। तो ये बी बार इस तरीके से लिखना है और सी बार इस तरीके से लिखना है, तो ये पूरी टर्म कहलाएगी बी बार सी बार। नेक्स्ट में हम आए तो नेक्स्ट है ए बी बार। ए आप ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट, और बी बार के लिए आप अबाउट या ए सिम्टम जो कहलाता है ये, इसका सिंबल यूज करेंगे और देन फिर आगे चलेंगे। प्लस ए बी और सी बार है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि ए बी क्लोज क्लोज। ठीक है, तो ये ए बी जब आप साथ लिखेंगे, और जैसे मैं फर्स्ट टर्म भी मैंने पूरा एक्सप्रेशन लिखा भी नहीं, फिर भी मैं इंटर करूं तो ये एरर देगा, क्योंकि ये जो ए बी को एक टर्म लेगा अगर आप बीच में गैप नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लाई भी अगर ये हो रहे हैं तो आपने बीच में स्पेस बार दबा देना है, तो ये इस तरीके से आपने लिखना है। तो इसका सिंटैक्स आपने फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आए तो अब चार टर्म है ए बी बार सी और
जीते हैं, हम बी और सी में फिर गैप नहीं आ रहा, तो हमने क्या करना होगा, बी और सी में गैप प्लस। देखें ए बार बी बार सी बार डी बार, तो हमें ए से पहले भी ये लगाना है, अबाउट का या इनवर्स, आप इनवर्स समझेंगे, ये बेसिकली इनवर्ट का ही निशान है, ठीक है। साथ में फिर आ गया डी, अब देखें डी में फिर वही हमें क्या करना होगा, गैप लगाना होगा, प्लस ए जो डी बार है, डी इन सबके बीच में, ठीक है। अब हम अपनी इक्वेशन को एंटर कर देंगे, उसमें और भी ऑप्शन होता है रिवर्ट, यानी पूरी की पूरी इक्वेशन को रिवर्ट कर देगा, हम रिवर्ट नहीं करता, अब जरा हम वेरीफाई करते हैं। अब ये देखिए ऊपर लिखा हुआ भी आ गया, अब हम जरा अपनी इस एक्सप्रेशन को वेरीफाई भी करते हैं। तो बी बार सी बार ए बी बार ए बी सी बार प्लस ए बी बार सी डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी डी, ठीक है जी। अब हम एक काम करते हैं कि दोबारा से जो लॉजिक सिमुलेटर के वीडियोस पे आते हैं, और अब यहाँ नीचे देखें, नीचे एक ऑप्शन इसने दिया हुआ बिल्ड सर्किट, खैर चले मैं अभी ये बात को बताता हूँ, क्या काम करते हैं अभी ये बना बिल्ड सर्किट मैंने कर दिया। ये पूछता है कि आपने टू इनपुट गेट से रखना है, हमने मल्टीपल इनपुट गेट रखे हैं, इसका नाम हम मेन ही रखते हैं, तो ये हमारा मेन सर्किट है, यानी ये जो है ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का पूरा सर्किट इसने आपके सामने डायरेक्ट। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं मिनिमाइज, अब ये इसको मिनिमाइज करेगा, अगर आप देखें तो मिनिमाइज इसे किस तरीके से कर लिया, के मैप को यूज करते हैं, तो हम जरा देखें हमने किस तरीके से मैप के मैप को किया था, यूज इसने भी सेम बिल्कुल उसी तरीके से मिनिमाइज किया है, ठीक है, कोई फर्क आपको नजर नहीं आएगा, जो हमने लास्ट टाइम के मैप से इसको सिंप्लीफाई किया था, और इसमें आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमने ग्रुपिंग की थी सेम उस तरीके से ग्रुपिंग हुई, में ये रहा 4-1 का ग्रुप हमने भी इसी तरीके से किया था, फिर नीचे वाली पूरी 1-0 वाली रॉ हमने ली थी वो भी इसी तरीके से आ गया, और फिर लास्ट में जो हमने ये रोल ओवर करके 4 का ग्रुप बनाया था यहाँ पे भी इसी तरीके से आ गया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं वही, और हमारी एक्सप्रेशन भी वही चीज सेम है, ए बी बार प्लस ए सी बार और प्लस बी बार सी बार, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो ठीक है। अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने यानी अब जो हमारी नई एक्सप्रेशन आई है इसको सेट एज एक्सप्रेशन कर देना है, जब हम जैसे ही इसको सेट एज एक्सप्रेशन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन वाले कॉलम में भी यही वाली एक्सप्रेशन आएगी, पिछली वाली एक्सप्रेशन हो चली गई। अब हमने क्या करना है, इसका सर्किट बनाया बिल सर्किट, तो इसका नाम हम रख देते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है, ठीक करते हैं। तो ये हमारे पास ठीक है जी, प्रीवियस हमारा सर्किट किया है, सिंप्लीफाइड किया है इसको, इसको मैं एक काम करता हूँ ताकि दोनों सर्किट हमारे सामने रहे, ठीक ये हमारा सिंप्लीफाइड वाला सर्किट है, और प्रीवियस का ये हमारा मेन सर्किट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सर्किट भी हमारे सामने है, और ये इसका जो है मेन सर्किट था, और ये इसका सिंप्लीफाइड, तो होपफुली आपको समझ में आ गया, और आप कोई चाहे तो उसको सिमुलेट कर सकते हैं, और ये सारे सेम आंसर ही देंगे सेम, ठीक है भाई। तो आप ये चेक कर सकते हैं इसको बिल्कुल जैसे चाहे, मजे की बात है यार डी वैसे ही इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, क्योंकि आपने देखा था जो हमारे पास सॉल्व या मिनिमाइज एक्सप्रेशन आई थी उसमें कहीं पे भी हमारे पास जो
डी है वो यूज नहीं होगा। तो मेन था ये कि आपने एक्सप्रेशन वेरीफाई करनी थी, आपने एक बहुत बड़ी एक्सप्रेशन को यानी कि इस एक्सप्रेशन को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ये जो कॉम्बिनेशनल एनालिसिस का बॉक्स होता है इसके। तो होपफुली जो है आपको समझ आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस करें और ज्यादा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि आप एक ट्रुथ टेबल डालें और ट्रुथ टेबल से डायरेक्ट कैसे सर्किट आपका बन सकता है, या ट्रुथ टेबल से डायरेक्ट कैसे एक्सप्रेशन आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बोथ अगर आप चाहें तो अनसिम्प्लीफाइड भी और सिंप्लीफाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको और भी लॉजिस्टिक के हवाले से और टेक्निक बताऊंगा कि बूलियन एक्सप्रेशन या ट्रुथ टेबल या जो भी चीज है आप एक्सप्रेशन या सर्किट डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह।